हरे कृष्ण, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपसे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनकी आज के दिन की क्या स्थिति रहेगी, आज उनको आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रगति होगी, व्यापार की दिशा क्या होगी, राजनीतिक दिशा क्या होगी और नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपकी पदोन्नति के कैसे हाल रहेंगे और घर में नए तरह के मेहमान और शुभ कार्य क्या होगा, गृह निर्माण की क्या स्थिति रहेगी, वाहन सुख कैसे मिलेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। जो आपका चिर प्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें क्या आपको सफलता मिलेगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे आपको कि आपके सावधानियां क्या बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा और शुभ रंग क्या होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जा करके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन खास तौर से व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, चाहे वो आयात निर्यात का हो, चाहे किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप कार्य करना चाहते हैं, आयात निर्यात का हो या ट्रेडिंग का हो या शेयर का हो या निर्माण कार्य के लिए हो, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। आज आपका संघर्ष समाप्त होगा और अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। यदि सरकारी नौकरी के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आज आपको सरकारी नौकरी मिलते हुए दिख रही है। आज आपका जो संघर्ष है वो समाप्त होने वाला है। पदोन्नति के साथ साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है और ऐसे लोग अगर आप शेयर में, ट्रेडिंग में या किसी नए तरह के कार्य में या लेखन कार्य में या मैनेजमेंट के फील्ड में अगर आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। सरकार से आज आपको लाभ मिलेगा, सरकार से पुरस्कृत भी हो सकते हैं और यदि कोई भी नया कार्य पाइपलाइन में है या बहुत दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं, जो कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य की भी होने की संभावना बन रही है। अपने इंटेलेक्चुअल क्षमता से, कीमती सलाह से आज आप धन अर्जित करते हुए आपका भाग्य दिख रहा है और संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। कोई भी नया कार्य करते हैं तो अपने गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनसे सलाह लेकर के अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलेगी। साझेदारी में अगर कोई व्यापार करते हैं तो उससे भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है और शिक्षा से आज आपको लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड में अगर कोई नया कार्य करने की प्लान कर रहे हैं तो वो भी समय आज आपके लिए अच्छा है। आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ करके करें, प्लान करके करें और सिस्टमेटिक करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि दुर्गा सप्तशती का उसमें सिद्धि कुंज का स्त्रोत का पाठ करें आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सी ग्रीन। हरे कृष्ण।